नमस्कार दोस्तों, आराध्य की रसोई में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड मैगी, जो हम बनाएंगे घर पर ही। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखिए, उसके लिए हमने कुछ सब्जियां तैयार की है, जैसे कि हरी मिर्च, मटर, टमाटर और प्याज। तो इसी से फ्राई आज हम मैगी बनाएंगे। तो ये हमारी मैगी, सबसे पहले हमने देखिए कढ़ाई रख दी है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे तेल। हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं और ये हम अपने घर पे ही बनवाते हैं पिसवा के, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख देते हैं तेल को। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम अपने प्याज डाल देंगे। देखिए, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, हमें तो ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना था। पाँच मिनट के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले एक मैगी मसाला ऐड करेंगे और बाकी हम अपने घर के ही मसाले यूज करेंगे। हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्चा, नमक, और हम इसमें एक ग्लास पानी ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से मैगी बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप बाहर की मैगी खाना भूल जाएंगे। तो एक से डेढ़ गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हम इसे अब पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी मटर, टमाटर, प्याज अच्छे से पक जाए पानी में। तो ये देखिए, हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें भी मैगी डाल देंगे। तो हमने चार पैकेट रख लिए, और पांच मिनट के लिए हम इसे ग्रेवी में ही पकाएंगे। तो ये देखिए, हमारी मैगी इसमें, हमारी ग्रेवी में अच्छे से पक गई है। हमें ज्यादा इसे गलाना नहीं है। हम सब सारे मैगी मसाले ऐड करेंगे अपने लास्ट में। ये देखिए आप, ग्रेवी के साथ मैगी हमारी। पांच मिनट में और पकाएंगे हम इसे। और ये देखिए, हमारी मैगी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक बार ज़रूर आइए, हमारे हाथ की मैगी ज़रूर खाइए, बाहर की मैगी खाना भूल जाएंगे आप। वाकई में हम बहुत टेस्टी मैगी बनाते हैं। तो अगर आप, हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो हमारी कैसी लगती है आपको। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ एक नए दिन में। तब तक के लिए बाय बाय।